मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये सेकेंड मॉर्निंग है हमारी जयपुर में, नहीं हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है जयपुर में, कल रात को ही तो आए थे। सो अभी मैं आ गई हूँ इबिस। इबिस में मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे शाम तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्रेकफास्ट और डिनर करना। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या होने वाला है। ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, आज सेक्शन बदल दिया, आज इडली है, सांभर है, ये देखिए छोटी छोटी हड्डियों में कितना प्यारा सा चटनी और ये सब लगाया जाता है। एंड इधर है ये पोहा। ओके, इधर कुछ वडा है और उधर आई थिंक चाउमीन वगैरह होगा। और इधर आज छोला सेक्शन है। अरे वाह, साथ में भटूरा कुलचा, आलू का पराठा। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आप लोग ये देख सकते हैं, वाव, और पूरी चने भी है साथ में। डालिया नोबिता, नहीं डोरीमोन। सुबह जो है चालान कट गया है हमारा, रेड लाइट ऑन वो कर दिया था, होने वाला है बिकॉज आज मैं जा रही हूँ काफी स्पेशल काम के लिए। जी हाँ, मैं और देव निकल चुके हैं घर से और आज हमारे घर में आ रहा है एक नया मेहमान। ये नया मेहमान कौन है ये बहुत जल्दी आप सभी लोगों को पता चलने वाला है। उससे पहले मैं एक बार वीडियो शूट करना है, वो वीडियो शूट करने के बाद देन सीधा जो है मैं आपको लेकर जा रही हूँ स्पेशल स्पेशल जगह। सो मेरी इस ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि इस नए मेहमान की एंट्री हो चुकी है, बहुत ही अच्छी। आई एम सो एक्साइटेड और ये स्पेशली मेरे लिए हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब सभी रेस्टोरेंट, गुलशन, मन्नत, सुखदेव ढाबा, सब आपको इसी लाइन में देखने को मिलते हैं इधर। और हम लोग पता है ऐसे हैं कि हम लोग इतना पास में रहते हैं, मतलब मुश्किल से 20 से 25 मिनट का रास्ता, हम फिर भी नहीं आते हैं, इतना बोर हो चुके हैं बाहर का खाना खाकर। ये देखिए सारे रेस्टोरेंट इधर हैं। और पता है कोविड के चलते तो काफ़ी रेस्टोरेंट इवन यहाँ पर बंद भी हुए हैं। कैसे मार रहे हैं देखिए, ये देखिए सीजन का जो सबसे अच्छा जो फल है ना वो पता है कौन सा? सिंघाड़ा। और मीठा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मुझे रास्ते में सिंघाड़े वाला मिल गया है तो मैंने कहा चलो सिंघाड़े ले लेती हूँ। अभी 40 रुपए किलो मीठा है। ये ऐसे कैसे हो रखा है पूरा? बिल्कुल भी मीठा नहीं था सिंघाड़ा। अब वो बात ही नहीं रही फल फ्रूट्स में जो पहले हुआ करती थी, अब तो बस टाइम पास फल फ्रूट्स रह गया, वरना सिंघाड़े इतने मीठे हुआ करते थे ऐसा लगता था जैसे चीनी खा रहे हैं हम लोग। पीछे मैं आई हूँ किया के शोरूम में और गाड़ी लेने के लिए, किया की कार लेने के लिए हम लोग आए हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हैं जोशना मैम, जिसको जिनको हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पानी में कुछ पिला दिया है हमने बोतल में डाल दिया है। और साथ में ये देख सकते हैं ये देव आए हैं और अभी किया गाड़ी का होगा अनबॉक्सिंग। सो बताइएगा कैसा लगा। वाइट लोगों के साथ एक अपनी एक स्पेशल न्यूज़ जो है, एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था, आई डोंट नो, शायद नहीं बताया था, आज मैं आई हूँ किया के शोरूम में गाड़ी लेने के लिए। किया की अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी करने वाली हूँ और काफ़ी समय से गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी किया की, तो मैंने सोचा सनरूफ वाली क्यों ना गाड़ी ली जाए। तो सनरूफ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और देव आ चुके हैं, मैं और देव फटाफट से गाड़ी की अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये गाड़ी जो है कैसा पसंद आया। कल ही जयपुर से वापसी आए हैं, बस सीधा फिर गाड़ी लेने के लिए आ गए हैं फटाफट, इसीलिए जयपुर से भागम भाग हुए हैं।
तो चलिए गाड़ी की अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे ये ब्लैक कलर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, यू नो ब्लैक इज़ ऑलवेज माय फेवरेट कलर। बाकी अभी बताती हूँ मैंने कौन सा कलर लिया है, सो बने रहिए। अपनी हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये गाड़ी मेरे लिए स्पेशल इसलिए बनी है बिकॉज मुझे क्लच वगैरह बिल्कुल नहीं आता है। वाओ, फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। सो चलिए टाटा बाय बाय, मैं भी जा रही हूँ, देव को पीछे छोड़ूँ, देव से शूट करते रह जाएगा, मैं हवा में उड़ जाऊँगी।